अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। और फ्रेंड्स, आज मोस्ट अवेटेड वीडियो जो है वो हम बनाने जा रहे हैं, और वो है जी टब वॉश करने का तरीका। तो सबसे पहले टब वॉश करेंगे हम। हायर ऑटोमेटिक मशीन है मेरे पास, आपके पास कोई भी वॉशिंग मशीन है उसका भी तरीका तकरीबन सेम ही होगा। ये देखें, यहाँ पर ये बने हुए ऑप्शन टब क्लीन। टब क्लीन के लिए इस बटन को और सेट के बटन को प्रोग्राम को एक साथ दबा के रखना है, तो ये आपका टब क्लीन पे मोड चला जाएगा। टब क्लीन की सबसे पहले प्रिपरेशन है, मैं बता दूं कि सरफ हमने इसमें डाल लें, लेकिन उससे पहले हमने जो इसमें फ़िल्टर हैं ये दो लगे हुए, इनको साफ़ करना है। और ये देखिए बहुत इजी है, ये देखें अभी ये फुल गंदे हुए हैं क्योंकि मैंने इसमें अच्छे खासे कपड़े धोए हैं अभी, ब्लैंकेट्स वगैरह, तो ये गंदे हैं, इनको हमने क्लीन करना है। क्लीन करने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, बहुत आसान है। ये इस तरह से देखिए खुल जाता है, और खुलने के बाद आप इसको, ये जो इसकी पॉटली है, इसको खाली कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। ये साफ़ करने के बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। तो देखिए मैंने इसको अभी क्लीन कर लिया है, ये साफ़ हो गई है बिल्कुल, और इसको हम इस तरह से बंद करके वापस लगा रहे हैं। अच्छा, ये देखिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा ये धुआँ जमा हुआ है। अगर यहाँ पे आपको लगे कुछ है तो आप ये देखिए इसको क्लियर कर सकते हैं। और ये मैंने इसको साफ़ कर लिया, इसको मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ। ये हो गई है, और अब इस तरफ भी इसी तरह से साइडों पे थोड़ा सा रुआ लगा हुआ था उसको हमने निकाल लिया, और ये सेकंड फिल्टर भी मैं इसमें इंसर्ट करने लगी हूँ। ठीक है जी, ये जी हमने फिल्टर इसमें साफ करके लगा लिए हैं। टब क्लीन करने लगी हूँ मैं, तकरीबन 3 मंथ्स के बाद इसको क्लियर कर रही हूँ। आप वैसे 2 मंथ के बाद कर लिया करें, मुझे टाइम नहीं मिला। तो इसके लिए सब सिंपल सरफ जो आप यूज़ करते हैं वही सरफ यूज़ करेंगे, उसकी बकेट में मैंने डाल दी है। मशीन पीछे से ऑन है, ठीक है, ये देखिए इसको हमने ऑन किया, और अब ये सेट और प्रोग्राम का बटन, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो टब क्लीन हो जाएगा। इसको हमने प्रेस करके रखना है, पानी हमने पीछे से खोल दिया, सॉरी इसको तो बंद ही नहीं किया इसको बंद कर देंगे, इसको हम एक साथ प्रेस करेंगे। देखें टब क्लीन CH, इसको हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए स्टार्ट हो गया है, तो जी अब ये देखेंगे कि कितनी देर का जो है वो प्रोसीजर चलेगा, मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पर ऐसे कोई टाइम नहीं लिखी हुई, वॉश टाइम, रिंस टाइम, स्पिन टाइम आ रहा है, तो वैसे हम चेक करते हैं क्या दिखाता है। वाटर लेवल इसने 10 रखा है, और बस बाकी आप ऑप्शन है इसके देख सकते हैं, 10 तक यानी कि फुल टब ये भरेगा, और उसके बाद देखेंगे कि ये क्या करेगा। ठीक है जी, तो इसमें अभी पूरा वाटर भरना है, तो हम वेट करते हैं, और जब वाटर फिल हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी कि इसके बाद ये क्या प्रोसीजर करेगा। तो फर्स्ट टाइम जी टब क्लीन कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, तो मेरे साथ रहिएगा, इस प्रोसीजर को इंशाल्लाह हम पूरा देखेंगे और बताएंगे कि टोटल कितना टाइम लगता है। जी फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं आप बिल्कुल टब ऊपर तक भरा है इसका, फुल जो उसकी कैपेसिटी होती है, और अब ये चल रही है मशीन, और इसका टाइमर शाइमर कोई शो नहीं हो रहा है, इसको हम देखेंगे। बहरहाल मैंने खुद से टाइम रख लिया, अभी इसको 5 मिनट्स हो गए हैं चलते हुए, तो देखेंगे ये कितनी देर चलती है और आपको बताएंगे और कैसे इसका टब क्लीन होता है। फिलहाल अभी ये खाली ही चल रही है, और जाहिर है इसी तरह से ये इसका टब क्लीन हो जाएगा। ओके, ये बीच में स्टे कर रही है और फिर चल रही है, रुक रुक के चल रही है, जिस तरह डीप क्लीनिंग में ये चलती है, रुक रुक के चल रही है। जी फ्रेंड्स, टब क्लीन करना चाहिए, डिपेंड करता है आपकी यूजेज पे। वैसे तो दुकानदार जो कहते हैं कि जी आप कर लें 1-2 महीने के बाद, या अगर आप कोई हैवी यूज़ करते हैं उसके बाद इसको आप वॉश कर लें, और टब क्लीन करने से जो है वो लाइफ जो है मशीन की वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, उसकी कारकर्दगी बेहतर रहती है, इसलिए ये एक ज़रूरी चीज़ है। मैंने बहुत जल्दी तो नहीं, काफ़ी लेट कर दिया, तकरीबन 3 माह हो गए मुझे ये मशीन चलाते हुए, यूज़ करते हुए, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसका टब क्लीन कर रही हूँ। सरफ की क्वांटिटी मेरे ख्याल में ठीक थी मैंने डाली, यानी कि खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्होंने उसने टब को ही वॉश करना है तो उसके लिए वो काफ़ी थी, तो आप अंदाज़े से ही सरफ डाल सकते हैं इसमें। सरफ मैंने
जो मैं कपड़े धोने के लिए यूज़ करती हूँ वही यूज़ कर लिया। आप भी कोई सा भी सरफ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली तो चिकनाई वगैरह गंद वगैरह ही उसने टब का क्लीन करना है, तो वो हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, जिस तरह डीप क्लीन फंक्शन मोड में चलती है, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, उसके बाद फिर से चल रही है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करती है और चलती है। तो इसका टाइम जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हम इसका टाइम मैं आपको वैसे बता दूंगी, मैंने इसका टाइम रख लिया कि ये टोटल कितना लंबा प्रोसीजर है, कितनी देर तक ये फंक्शन चलेगा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, अभी तक 2 घंटे हो चुके हैं और अब ये देखें अभी वॉश टाइम पे ही है। अब यहाँ पर CH लिखा हुआ था, BH लिखा गया, इसका मतलब मुझे नहीं पता बहरहाल क्या है, लेकिन ये देखें अभी सर वैसे का वैसे बीच में ही है। ये काफ़ी देर के लिए जो है अच्छे से, ताकि टब अंदर से साफ़ हो जाए, उसके लिए क्या करिए कि थोड़ा सा चलती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है और अभी ये BH मोड पे है। तो मेरे ख्याल में 11 घंटे का इसका प्रोसीजर होगा। लेट्स सी कि मैं, सर्दी बहुत है ज़ाहिर है, तो वॉशरूम में नहीं खड़ी रह सकती, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी इसका हर जो है स्टेप। फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे और बहन भाई जो कि टब क्लीनिंग के बारे में जानना चाहते हैं उनकी भी हेल्प हो सके। जी फ्रेंड्स, तो अभी मैं आई हूँ 3-4 घंटे के बाद और अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 9H, यानी कि अभी 9 घंटे मज़ीद लगेंगे। 9H का मतलब तो 9 आवर्स ही हैं और 9 घंटे अभी इसको मज़ीद लगेंगे और साथ साथ अभी इसको कर रहा है, इसके बाद 8 आवर्स जी, 7 आवर्स और 6 आवर्स इस तरह से जो है वो रीडिंग सारी 13 घंटे इसको लगे थे। और फिर रात को मैं सो गई थी, सुबह जब मैं उठी तो ये ड्रेंड हो चुका था। ये देखिए मशीन बंद है और टब जो है वो क्लीन हो चुका है इटसेल्फ, इसने अच्छे से क्लीन कर लिया है, सारा जो है वो टब क्लीन है। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, जस्ट सर्फ डालना है और उसको लगा के आपने छोड़ देना है, तो आपका टब जो है वो क्लीन हो जाएगा होपफुली। तो जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। हमने फर्स्ट टाइम आपके साथ मिलके जो है टब क्लीन किया है और आपने भी करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। मैंने काफ़ी लंबी वीडियो थी, तकरीबन 13-14 घंटा लग गए इस प्रोसीजर को, तो मैं बीच बीच में जो है वीडियो बनाती रही आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।